माता पिताजी कहाँ है, मुझे मुझे दिखा दो माँ। सीता सीता जी माँ, भैया राम वाल लखन कहाँ है माँ, दिखा दो मुझे। जिन जिन लोगों को मैं मेरे समान अभागा, जिसके जिसके कारण ये माता तोड़ दूंगा नहीं तो, ये आपकी यह दशा हुई। पिताजी पिताजी स्वर्ग में है और भैया राम वनों में है। सारे सारे फसाद का कारण मैं ही होगा। तुम आप धैर्य धारण कर, बुरा समय जानकर शोक त्याग, किसी को दोष मत। विधाता ने हमारे भाग्य में यही लिखा था। पहले से बोल दिया अपना नेटा साफ करने को, बन को चले गए और मैं ना तो उनके साथ जा पाई और ना अपने प्राण उनके साथ भेज पाई। माता समझेगा जगत भरत ने, यह सारा खेल रचाया है उसने, उसने ही यह राज्य प्राप्त हेतु निज माता को भड़काया है। गोवर गुरुवत ब्राह्मणवत इन सब था मुझ पर पाता को, यदि यदि इसमें मेरी संपत्ति या इसका मुझको ज्ञान तक हो, जो जो ब्रह्म वंश का द्रोही हो, निज धर्म न जिसको प्यारा हो, उसकी उसकी ही गति पाऊं मैं माता, यदि मेरा तने की शादा हो। जो दशा धर्म कर्तव्य रहित हरि भक्ति ही नास्तिक की हो, ओ वही अवस्था मेरी भी, यदि इसमें मेरा मन भी होगा। हे माता अगर इसमें मेरा थोड़ा सा भी हाथ है तो मुझे भगवान नरक में डालो। बेटा ये क्या कह रहे, मेरे हम सब दुखियों का जीवन अब तेरे जीवन पर निर्भर है। आसरा यदि राम है अपना तो भरत मेरे जीवन का सहारा है, नैनों का तारा है, तो मेरे लाल तू मेरे प्राण का प्यारा है। तुम सच्चे हो, मैं कहती हूँ उन्हें मारा है, तुम सच्चे हो, मैं साक्षी हूँ। वैसे समाज अपेक्षा देख, हे पुत्र मध्यवर्ती हूँ मैं, मुनि से प्रणाम। आयुष्मान भाव चिरंजीव भाव, मुनि से प्रणाम। आयुष्मान भाव कल्याण हो। हे भरत यह इच्छा देवी इच्छा बड़ी प्रबल है, जो होना था वो हो गया, अब शोक करने की जरूरत नहीं। आप श्री राम जी को वापिस लाने के लिए, अयोध्या लाने के लिए तैयारी करो। ठीक है, ठीक है, मैं यह चाहता हूँ कि भैया राम वापस अयोध्या लौट आए और राज्य करें। अंदर बैठे अंदर।
इसके बाद हमारा बहुत ही मार्मिक दृश्य